उन्होंने तो 300 से ज्यादा वादे यहाँ पे किए थे, तो उसमें से हार्डली 10% भी वादे न कंप्लीट करने वाली ये गवर्नमेंट है। जो लोगों को चाहिए वो तो करते नहीं है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए उन्हीं में उन्हें ज्यादा रुचि है। देर इज अ कोल स्कैम, देर इज अ लीकर स्कैम, देर इज अ राइस स्कैम, देर इज एन पब्लिक सर्विस एग्जाम, सभी में एक घोटालेबाज सरकार है। इसको हटाना जरूरी है, इनको घर का रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है। हर वक्त जहां जहां कांग्रेस आती है वहां वहां कांग्रेस घोटाले में तरबेज रहती है। और ऊपर से मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ ये एटीएम है। अभी दूसरा एटीएम उनको कर्नाटक में मिला है, पहला एटीएम उनके लिए छत्तीसगढ़ में था, सबसे बड़ा एटीएम ने ये है, ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ यहाँ के कि इतने सारे घोटाले देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कभी फिर एक बार कांग्रेस को चुन के कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार के वक्त जिस साल जिस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट किया था वो फिर एक बार यहाँ लाने के लिए लोग तैयार है। इट इज मोर देन 3,300 रेप केसेस हैव रजिस्टर्ड, मोर देन 4,500 किडनेपिंग ऑफ द वुमन। यहाँ पे अपने महिला भगिनी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस सरकार को घर भेजना ही उचित रहेगा और यहाँ की जनता इनको घर डेफिनेटली यहाँ पे उनको घर भेजेगी। इंडी बोल के जो कॉम्बिनेशन रहा है नेशनल लेवल पे, यानी जो कोई पहले ही जो यूपीए ही थे उनका सिर्फ नाम बदला है, नाम बदल से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती, नाम बदलने से करप्शन नहीं बदलता, वही करप्शन फिर भी एक बार चालू है। और इन्होंने जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने सनातन हिंदू धर्म पर जो आघात किया, सनातन हिंदू धर्म को ख़त्म करने की बात की, मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस वालों ने भी बताना चाहिए कि जो उनके इंडी अलायंस ने बात किया उनके साथ में है क्या। जब माता कौशल्य के नाम एक तरफ लेते हैं, प्रभु रामचंद्र का नाम एक तरफ लेते हैं और उनके ही अलायंस पार्टनर जो उनकी तरफ जब सनातन हिंदू धर्म का नाश करने की बात करता है।